दोस्तों इस वीडियो में ऐसे क्रिकेटर के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से आईपीएल और इंटरनेशनल में अपना एक नाम बनाया। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका फुल नेम है ऋतुराज दशरथ गायकवाड़ और प्यार से इनको ऋतुराज कहते हैं। ऋतुराज प्रोफेशन से क्रिकेटर हैं, बैट्समैन। इनका जन्म 31 जनवरी 1997 को पुणे महाराष्ट्र इंडिया में हुआ और 2024 के हिसाब से आज इनकी एज 27 ईयर हो चुकी है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई सेंट जोसेफ बॉय हाई स्कूल पुणे से की और वहीं अपने आगे स्कूल की पढ़ाई लक्ष्मीबाई नाडगुड्डे स्कूल पिंपल निका पुणे से की और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई मराठवाड़ा मित्रा मंडल पॉलिटेक्निक से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। दोस्तों ऋतुराज महाराष्ट्र के पुणे से हैं। ऋतुराज के मुताबिक उनके माता पिता ने उन्हें कभी ज़्यादा पढ़ाई करने और कम क्रिकेट खेलने पर जोर नहीं दिया। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। 13 साल की उम्र में ऋतुराज पुणे के पिंपरी छिछवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बैरोल दिलीप बेंगेश्वर अकेडमी में शामिल हो गए। 2010 में कैडेंस ट्रॉफी में उन्होंने बैरोक बेंगेश्वर अकेडमी के लिए मुंबई के एमजीआई क्रिकेट क्लब के खिलाफ 71 बॉलों में 63 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। 2015 में महाराष्ट्र इनविटेशन टूर्नामेंट में उन्होंने अपने साथी विजय के साथ 522 रनों की पार्टनरशिप में एक मैच में 306 रन बनाए। उन्होंने 6 अक्टूबर 2016 को 2016-17 रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया और 2 फरवरी 2017 को 2016-17 इंटरनेशनल स्टेट T20 टूर्नामेंट में महाराष्ट्र के लिए अपना T20 डेब्यू किया। ऋतुराज ने 25 फरवरी 2017 को विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 में महाराष्ट्र के लिए लिस्ट ए की शुरुआत की। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 7 मैचों में 63.42 की औसत से लगभग 444 रन बनाए। उन्होंने 3 अर्धशतक और 1 शतक भी लगाया। वह 2016-17 विजय हजारे ट्रॉफी में तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। जून 2019 में ऋतुराज ने इंडिया ए के लिए खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ 187 रन की नाबाद पारी खेली। मैच में उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। 2019 में वह 2019-20 दिलीप ट्रॉफी के लिए इंडिया ब्लू टीम में भी शामिल हुए। इनके अच्छे प्रदर्शन के चलते हुए दिसंबर 2018 में ऋतुराज को 2019 आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग द्वारा खरीदा गया। 2 अक्टूबर 2021 को ऋतुराज ने 2021 टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाकर अपना फर्स्ट आईपीएल शतक लगाया। 2021 सीजन में उनके अच्छे परफॉर्मेंस के बाद ऋतुराज को 2022 आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग ने 6 करोड़ में रिटेन किया। 21 मार्च 2024 को चेन्नई सुपर किंग ने ऋतुराज को अपना कैप्टन नियुक्त करने की घोषणा की। यह निर्णय एमएस धोनी की कप्तानी भूमिका से रिजाइन के बाद लिया गया। अब इनके इंटरनेशनल करियर के बारे में देख लेते हैं। तो ऋतुराज ने 28 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए T20 में डेब्यू किया और साथ ही 6 अक्टूबर 2022 को इंडिया के लिए खेलते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया। इनका जर्सी नंबर 31 है। तो हमको कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसे लगते हैं। अब मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। तो इनके फादर का नाम दशरथ गायकवाड़ है, इनकी मदर का नाम सविता गायकवाड़ है, जो प्रोफेशन से एक टीचर हैं। इनकी वाइफ का नाम उत्कर्षा पवार है, जिनसे इनकी मैरिज 3 जुलाई 2023 को हुई थी। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहते हैं।
अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं तो इनको T20 मैच खेलने का लगभग 3 लाख रुपये मिलते हैं, साथ ही ODI फीस लगभग 5 लाख रुपये है। और इनको IPL में चेन्नई सुपर किंग ने 6 करोड़ में खरीदा था। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं तो रिपोर्ट के मुताबिक इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 24 करोड़ रुपये है। तो ये थी ऋतुराज गायकवाड़ की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। एंड वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।